लगभग 25 साल से हमारे हिंदुस्तान में ईपीएफ संगठन के लोगों को एक पैसा नहीं बढ़ाया। ये जो रिटायरमेंट के बाद जो सोशल बेनिफिट जो हमारे बुजुर्गों को मिलता है, आज हमारा जीवन इतना, हमारा जय जवान जय किसान और जय श्रमिक के बिना देश अधूरा है। और जय जवान जय किसान जय श्रमिक जो करेंगे वही देश में पाता है। पर हमारे को वन रैंक वन पेंशन का जैसा हमारे जवानों को दिए, उसी तरह नरेंद्र मोदी अपने लड़के अरे लोकप्रिय प्रधान हमारा भी काम कर रहा है। उस आशय से आज हम पार्लियामेंट में या जंतर मंतर में जवाब हुए हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें 25 साल से पिछले सरकारों ने एक पैसा नहीं बढ़ाया, इसलिए आज इस मोड़ पे आ गए 2000-3000 और हमने हम कामगार लोगों ने इस देश का नहीं देश को निर्माण किया है। हमारा ईपीएफ के पैसे से ये देश ने बहुत बड़ा अपना देश को योगदान देने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों पूरे भारत भर से हमारे जो पेंशनर भाई आए हैं, आज इतना संघर्ष के साथ 65 साल होने के बाद 70 साल होने के बाद भी हमको खाने को दो टाइम का रोटी नहीं मिलता है। आज हमारा सम्मान चलेगा घर में से। आप महाराष्ट्र से हैं सब और मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे आज जो है ऐसी परिस्थिति है, खाने को हमारी बहू बेटी दो टाइम के सम्मान पूर्वक खाना देना, उसलिए हम ज्यादा मांग रहे नहीं, हम खाली इतना ही मांग रहे 7500 रुपए पेंशन और उसको महंगाई भत्ता देना, इतना ही मांग रहे और जो कुछ नहीं मांगते हमारे इतना ही मांगते हैं। आप सभी भाई जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पाटिल जी का। और अगर क्वेश्चन कीजिए, पिछली बार रामदेव मैदान में किया था राष्ट्रीय राष्ट्रपति श्री नरेंद्र सिंह जी, बीजेपी सत्ता में आती है आपकी मांग पूरी करेंगे, उसमें बना रहे दिसंबर में आंदोलन किया था, ताला ठोको आंदोलन किया, 2 अगस्त को ताला ठोको आंदोलन किया है, दिसंबर में हमने एफओ कार्यालय पे धरना दिया है और उनको अपने जो वादा किया था बीजेपी ने जो वादा किया था वादा निभाया। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बात पहुँचाना चाहता हूँ, जो है कोई खास मांग नहीं है, जनरल मंत्र पे करते हुए हैं, ये के साथ चाहिए मेडिकल सुविधा मिल जाए, सभी का क्योंकि वृद्धावस्था में हर हाथ जोड़ के बीमारी होती है। मैं बात करते चलते हैं और आप सभी का अपना आंदोलन यही करेंगे। सबसे पहले हम कुल बाबा में कश्मीर में जो हमारे 42 भाई जवान शहीद हुए थे उनको हर आदमी को लेके जाता है, लेके आता है, सुरक्षित रखता है। और हम मतदान के जब इलेक्शन रहता है तो मतदान के वक्त भी हम सब लोगों को लेके आते हैं और अपना जो देश में नेता चुनता है उसके लिए सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार ने पेंशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सबसे कम पेंशन हमारे को दिया है, हमारे कुछ लोगों को 800, किसको 900, किसको 1600, 2400, 3000 के अंदर सबको पेंशन है। हमारी ये मांग है कि हम बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे कैप्टन साहब के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं और उन सभी से निवेदन करता हूँ। सबसे पहले हम सबसे दूर से जो आए हैं दक्षिण भारत से, एक एक राज्य का नाम बोलूंगा, उनके उनसे जो प्रतिनिधि कर रहे हैं राज्य का वो अभी मंच पर बना रहे हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत से केरला से जो आए हिंदी में बोलना के बात करनी है कि भाई हमारा इतना दिन हो गया अभी तक वेलकम टू आए हैं हम अकेले चाहिए वहाँ आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष करता हूँ की मुझे बता रहे हमारे राव साहब ने कितने बार आंध्र प्रदेश में बैठे, हमने कितने बार ये किया वो किया, क्यों नहीं सुने तुम लोग हमारी मांगे अभी तक सुनने क्यों नहीं आई? प्रेसिडेंट हम अभी वोट देने वाले नहीं है, हमारी जब प्रेसिडेंट तभी हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे हम, सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी होगी। राहुल साहब को हमारा सब लोगों का ये है कि हम राहुल साहब के पीछे चलेंगे, राहुल साहब जो कहेंगे आप सभी से अनुरोध करते हैं, बोलेंगे वोट नहीं देना तो हम नहीं देंगे, आपको गिराने की जरूर कोशिश करेंगे, हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको वोट नहीं देंगे। महाराष्ट्र जिला बुलढाणा, मैडम आपका नाम क्या है? सरिता भानुदास नारखड़े। आप इस सरकार से क्या क्या मांगे?
हमारी मांगे है कि हमको 7,500 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता उसके लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी होने से क्योंकि हम 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। हमारी मांग है, हम 5 साल से ये देश को जाग नहीं आ रही है, 5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। हमने मुंडन आंदोलन किया, भीख मांगो आंदोलन किया, हमने जगह जगह पे अनशन किया, आत्मदहन किया, आत्मदहन करने की हमने मांग की। हमने राष्ट्रपति से अगर हमको सम्मान से जीना नहीं देता है तो इच्छा मरण की भी मांग की है, वो भी ये सरकार जागा नहीं हो रहा है। अभी इलेक्शन आया है, इन्होंने अगर हमारा कुछ नहीं किया तो हम भारत में 65 लाख लोग हैं, हम मतदान करते होगा तो उनका सोचेंगे। इसीलिए हम विनती करते हैं, अभी भी हमारा सरकार से विश्वास उठने वाला नहीं है। हम विनती करती है सरकार से कि हमारी मांगे पूरी करे। ईपीएस 95 कृषि समिति का हम सब एक है।